जीके भी कंबाइंड हो, तो हिस्ट्री का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अभी तक जैसे था कि हिस्ट्री मुझे पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, फिर सर ने जैसे पढ़ाया तो हिस्ट्री को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका ही अलग हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ आता है ना, तो रिमझिम मैम की जो क्लासेस होती थी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती थी, कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ कुछ बोरिंग है। मैम ये चीज अच्छी लगती थी, जैसे टाइम हो गया उसके बाद भी मैम को ये नहीं है कि हाँ एक्स्ट्रा टाइम, मैम आराम से पढ़ाती है। और जब तक सब बच्चों को क्लियर नहीं हो जाता ना, तब तक मैम ये है कि सब क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। कभी ऐसे ही था जैसे पहले यूट्यूब पे स्क्रॉल किया तो अचानक से दिल्ली वाइट्स का दिखा तो रेलेवेंट लगा थोड़ा, तो फिर मैंने जब ज्वाइन करा, फिर जो इसके जो रिसोर्स है ना ऑनलाइन पे, वो मॉक टेस्ट वगैरह और जो लाइव क्लास होती है, वो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देती है। सो वेलकम टू दिल्ली वाइट्स नंदिनी। जैसा कि आपने रैंक 7 हासिल किया है, सो जितने भी लोग होते हैं ना वो टॉप 100 में आना चाहते हैं या टॉप 500 में आना चाहते हैं, बट गेटिंग 7th रैंक इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट केस। तो क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी हमसे शेयर करोगे कि कैसे आपने दिल्ली वाइट्स के ड्यू के बैच को आपने ज्वाइन किया था और वहीं से आपने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी आईपी के लिए? तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्टर का बैच ज्वाइन करा था, तो उस टाइम आईपी यूनिवर्सिटी का आइडिया भी नहीं था कि ये भी कोई यूनिवर्सिटी है सच है। तो फिर सर ने बोला कि कर लो ज्वाइन, अच्छा है ये भी यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो फिर मैंने फॉर्म भर दिया सर के कहने पे। उन्होंने कहा ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए आपने। ओके, तो फॉर्म भरने के बाद डीयू का बैच ज्वाइन करा जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा टीचिंग एप्टीट्यूड। लगभग 50% जो था वो मेरा आईपी वाई में डीयू वाला ही चल गया, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाया 25 क्वेश्चंस, तो उसमें मतलब आईपी में डीयू वाले ही थे। और बाकी जीके भी एक तरह से हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये सभी जीके भी कंबाइंड होते, तो हिस्ट्री का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अभी तक जैसे था कि हिस्ट्री मुझे पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, फिर सर ने जैसे पढ़ाया तो हिस्ट्री को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका ही अलग हो गया। मुझे हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सर को पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ आता है ना, तो रिमझिम मैम की जो क्लासेस होती थी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती थी, कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ कुछ बोरिंग है। मैम ये चीज अच्छी लगती थी, जैसे टाइम हो गया उसके बाद भी मैम को ये नहीं है कि हाँ एक्स्ट्रा टाइम, मैम आराम से पढ़ाती है। और जब तक सब बच्चों को क्लियर नहीं हो जाता ना, तब तक मैम ये है कि सब क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। और बाकी मैम पैडलेट्स देती थी और उसमें भी बहुत अच्छा इंजॉयिंग लगता एक्टिविटीज, जैसे और सब ऐसा नहीं लगा कि ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से मैम ने हर चीज कवर किया। और रिमझिम मैम का जो पढ़ाती थी तो उनका तरीका ना बोलने का बहुत पसंद आया मुझे, उनसे इस तरह से इंस्पिरेशन से मिलती है कि हाँ ऐसे ही टीचर लाइफ में होना है। हाँ नहीं नहीं ये तो खैर है ही अच्छी बात। नंदिनी एक बात बताइए मुझे, अगर मान लीजिए किसी को अपना लेवल अप करना रहे, जैसे कि आपको आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं आइडिया था, आईपी यूनिवर्सिटी के पेपर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग भी आपको जानकारी नहीं थी, तो सपोज कोई एकदम फ्रेश स्टूडेंट आ रहा बीएड में और उसे अगर अपना लेवल अप करना रहे, तो क्या दिल्ली वाइट्स का रिसोर्स मटेरियल इनफ है इनके लिए? जी मैम, मैं बोलना चाहूंगी कि दिल्ली वाइट्स जैसे स्टार्टिंग में आपके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, हमें लगता है कि हमें बीएड का बस प्रिपरेशन करनी है, आप कहाँ से हम सोर्स इकट्ठे करें। तो मेरा भी ऐसे ही था जैसे पहले यूट्यूब पे स्क्रॉल किया तो अचानक से दिल्ली वाइट्स का दिखा तो रेलेवेंट लगा थोड़ा, तो फिर मैंने जब ज्वाइन करा, फिर जो इसके जो रिसोर्स है ना ऑनलाइन पे, वो मॉक टेस्ट वगैरह और जो लाइव क्लास होती है, वो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देती है, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। बेसिक से लेकर के चलते हैं स्टार्टिंग से बच्चों को 6-7 तक की एनसीईआरटी से लेके पूरा हाई लेवल, ये चीज मुझे अच्छी लगी। अच्छा, तो ऐसा तो है कि हाँ बच्चे कवर कर लेंगे पूरे सोर्स पे, रियलाइज कर सकते हैं और जितना मतलब पढ़ा है उसी में ही अच्छे से पढ़े। ओके ओके ग्रेट नंदिनी। नंदिनी मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई आपकी एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो आपने क्लास के साथ ही उसे मेंटेन रखा, जिसके वजह से आपकी जो 7th रैंक आईपीसीईटी में आई है उसमें बहुत ज्यादा मददगार साबित हुई, और शायद वो एक स्ट्रैटेजी हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी हो, तो क्या उस स्ट्रैटेजी पे आप चर्चा करना चाहोगे नंदिनी? मैम फिर से मैं वही कहना चाहूंगी कि अभिलाष सर ने कहा था कि जैसे आपको कंसिस्टेंट होना है, पढ़ाई तो मतलब करनी है साथ में कंसिस्टेंट रहना है, जैसे एक अपना टाइम फिक्स कर लो कि हमें पढ़ना ही पड़ता है, तो ये चीज बहुत काम आई, मतलब पढ़ना है इस टाइम पे। और बाकी ये कि जितना पढ़ो उसी को ही अच्छे से पढ़ो, ये रिवीजन बहुत मैटर करता है मेरे ख्याल।
अच्छा नंदिनी, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है? क्या आप साइंस, ह्यूमैनिटीज या फिर कौन से सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन रही है नंदिनी? मैम मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स से रहा है, तो इसीलिए तो मुझे और भी बैच ज्वाइन करना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ SST, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो फिर भी हिस्ट्री जो था वो मेरा वीक सेक्टर था, अच्छा जबकि अब हिस्ट्री को पढ़ने का लेकिन नजरिया बदल चुका है जब से सर ने पढ़ाई है, तब अच्छा एक इंटरेस्ट आता है, ऐसा नहीं लगता कि हाँ, और जैसे कि मैं खुद भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो अब मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को जब मैं पढ़ाती हूँ सर के पढ़ाने के बाद वही चीज जब रिपीट होती है बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके। तो एक है ना कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कि ऐसा मत आता है कि जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास ना सब्जेक्ट रहती है अकाउंटेंसी की, तो कहीं ना कहीं वहाँ से कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा उनके लिए इजी हो जाता है, तो शायद वहाँ से उनका जो रीजनिंग या फिर मैथ्स का जो क्वेश्चंस रहता है वो इजीली बन जाता है। लेकिन जैसे ही बात जनरल अवेयरनेस या फिर अगर हम शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे शायद कॉमर्स के स्टूडेंट हेजिटेट करते हैं कि हम लोग याद नहीं कर सकते, हमें टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि को पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो इस टाइप के मिथ से आप कैसे स्टूडेंट्स को समझाना चाहोगे कि ये कम्प्लीटली मिथ है और इन सारी बातों से खुद को दूर रखें, मतलब इस पर क्या आपका नजरिया रहेगा नंदनी? मैम स्टार्टिंग में मुझे भी यही चीज बहुत प्रॉब्लम लगी थी, मैंने सोचा कि जो मेरे सब्जेक्ट हैं वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, सिलेबस बहुत अलग हाँ है, तो बिल्कुल। खास करके जीके को लेके बहुत डर था। फिर वही है कि जीके भी एक तरह से सब कुछ होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब जीके के ही अंडर में आ जाते हैं, बाकी करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत पढ़ते चलो, सर ने कहा था जैसे न्यूज जो है वो देखते चलो टाइम टू टाइम, तो ये चीज हो गया, और बाकी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह तो सर ने कहा था तुम्हें लगे तो कर लेना, तो वही है कि इधर उधर से थोड़ा बहुत हो गया। हाँ अच्छा नंदनी, जब आप क्वेश्चंस वगैरह करते थे, मॉक्स वगैरह लगाते थे या फिर वर्कशीट्स लगाते थे, तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि मॉक्स वगैरह में भी ना कंसिस्टेंट मार्क्स नहीं रहते हैं आपके, कभी कभी 200+ आ गया, कभी ऐसा रहा कि आउट ऑफ 400 157 आ गया और देख के एकदम पैरों तले जमीन हिल गई। तो इस टाइप के मॉक्स के चैलेंजेस में या वर्कशीट्स में किसी क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते थे, तो इस तरीके के चैलेंजेस से आप कैसे खुद को मोटिवेटेड रखते थे और खुद को बैकलैश नहीं आने देते थे और फिर बैकआउट नहीं करते थे? तो इन सारे चैलेंजेस पे आप क्या समझाना चाहोगे हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को? मैम पहली बात तो ये कि जो मॉक के क्वेश्चन थे ना, मॉक के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, मतलब कि जैसे कि कई कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो खास करके डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे पढ़े मॉक में वैसे ही वैसे मोस्टली क्वेश्चन आए हुए थे, तो मॉक करते टाइम हाँ ऐसा हुआ था जैसे पार्ट ए और वो इंग्लिश का सेक्शन था ना DU वाले में, तो वो डिलीटेड हो गया था, तो वो तो मैं स्किप कर देती थी, और उसके बाद जैसे बाकी का सेक्शन कुछ कुछ बहुत हार्ड लगता था, लेकिन जो मेरा ऐसा होता था कि कुछ गलत हो गया तो मैं उसी टाइम उसे लिख लेती थी, तो फिर हाँ गलत वाली क्वेश्चन को मैं कॉपी में पहले लिख लेती थी, फिर बाद में एंड टाइम पे उसी को मैंने रिविजन। अच्छा, ये एक आपने बहुत अच्छा तरीका बताया है कि जो आपके क्वेश्चंस गलत होते थे उनके आप नोट्स बना लेते थे, ऐसा कुछ करें तो क्या हाँ आपने एंड टाइम पे फिर उसी को रिविजन करना। तो आप क्या नोट्स वगैरह पे बहुत ज्यादा रिलाई करते थे नंदिनी, या फिर आपने अपना शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखा था, मतलब इस टाइप की चीजें आपने कर रखी थी क्या ड्यूरिंग क्लास या फिर एग्जाम से जस्ट लास्ट मिनट पहले के प्रिपरेशन के लिए कि मैं शॉर्ट नोट्स पे डिपेंडेंट रहूंगी, इन सारी चीजों पे भी आपने प्रेप कर रखा था क्या नंदिनी? मैम सर ने तो बोला था कि ल्यूसेंट जीके की जो बुक आती है उससे प्रिपरेशन, मतलब जो सर पढ़ाते थे अंडरलाइन करवाते थे एक तो वो चीज, फिर उसी का नोट्स में मेरा क्या था उसी की बस समरी टाइप का मैं लिख देती थी, कोई ऐसा डिटेलिंग नोट्स नहीं थे मेरे पास, तो जैसे कुछ पढ़ा हिस्ट्री में सर ने पढ़ा दिया फिर उसकी एक तो ऐसे ये कि ऐसे हुआ इस टाइम के बाद ये हुआ ऐसे शॉर्ट के नोट होते थे, बाकी डिटेलिंग नोट्स नहीं थे मेरे, जीके वगैरह में थोड़े बहुत नोट्स थे पर उससे ज्यादा रियलाइज किया मैंने। अच्छा नंदिनी एक बात बताइए, क्या आपका शुरू से ही ये मन था कि आप टीचिंग के करियर को टीचिंग के करियर में आगे बढ़ोगे, या फिर ये ऐसा कुछ आपका प्लान बी रहा, या फिर आप डेली वाइट से जुड़े तो डेली वाइट्स की वजह से आपको ऐसा कुछ मोटिवेशन वगैरह आया, मतलब क्या था आपका एक्चुअल करियर प्लान और कैसे आप लैंड हुए टीचिंग करियर में? एक्चुअली मैम ना ऑनेस्टली कि 10th तक तो मेरा कोई टीचिंग का प्लान नहीं था, जैसे मैंने 11th ज्वाइन करी क्लास, 11th क्लास कॉमर्स ले ली उसके मतलब एक दो महीने बाद ही मुझे लगा टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया, पता नहीं कैसे, वो
उस टाइम के टीचर्स के इम्पैक्ट बहुत पड़ा, 11th 12th के टीचर्स अच्छे मिले, तो उस टाइम से मुझे टीचिंग में अब है कि बहुत इंटरेस्ट था। मतलब आपका प्लान ई, मतलब पूरा ओवरऑल करियर का प्लान ही था कि आपको टीचर ही बनना है, टीचिंग में ही जाना है। हाँ, लेकिन हुआ 11th के बाद से, लेकिन फिर पक्का वाला हो गया कि आप टीचिंग ही कर। चलो ग्रेट, तो आई बिलीव आपका सपना अब साकार होने जा रहा है। So many, many congratulations again for this, and thank you so much for your time and words. I'm definitely sure कि ये सारी बातें हमारे upcoming aspirants को motivate करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। This will be all for this session, Nandini. Thank you. तो उस time से मुझे interest आने लग गया, मैंने कहा commerce ले ली तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जाना teaching के career।